अनवर, ज़ाहिर है अफगानिस्तान की सिचुएशन बड़ी ख़राब है इस सूरत हाल में। अभी ये 15 डॉलर ने के 15 मिलियन डॉलर्स की इमदाद भी अक़्वामे मुत्तहिदा ने रिलीज़ की है, लेकिन आगे किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेगी अफगान हुकूमत, और ख़ास तौर पर जो अभी ट्राइका प्रेस इजलास है उसकी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है अफगानिस्तान की, अफगान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए भी और बाहमी सतह पर भी रबते किए जा रहे हैं, और अफगान हुकूमत की बुनियादी कोशिश इस वक्त यही है कि एक इंसानी अलमिया जो कि वहाँ पे जन्म ले रहा है, आने वाले दिनों में सही हो जाएगी, खुराक की कमी है, अद्वियात की कमी है, इस इंसानी अलमियत से किसी भी सूरत बचा जा सके। अब मसला वहाँ पे आ रहा है कि आलमी बरादरी जो है उसके अपने कुछ तफसरात है, वो इंसानी हकूक की सूरत हाल के हवाले से अफगान तालिबान को सूरत हाल को बेहतर बनाने का वो एक मशवरा दे रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो चंद मसाइल औरतों के जो किरदार है अफगानिस्तान में उसको बढ़ाने के हवाले से उनका एक मुतालबा है। चंद ऐसे मुतालबात हैं जो कि वेस्ट की जानब से या अमेरिकन की जानब से दुनिया की जानब से अफगान हुकूमत के सामने रखे गए हैं। अगर तो अफगान हुकूमत थोड़ी सी रवैये में लचक पैदा करती है तो ये तो की जा सकती है कि इससे भी बच सकेगी और शायद अफगानिस्तान की इकतदी सूरत हाल में दुनिया अपना किरदार अदा करेगी। बतौर हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को ना सिर्फ भरपूर इमदाद दे रहा है, एक अपनी हैसियत के मुताबिक इमदादी अशिया वहाँ पे पहुँचाई जा रही है, बल्कि आलमी बरादरी पर भी बारह ये जोर दे रहा है कि आप अफगानिस्तान की मुश्किलात का अंदाजा करें, आने वाली सूरत हाल का अंदाजा करें और अफगान हुकूमत की जो इस वक्त अफगान तालिबान हुकूमत है उसकी इमदाद करें। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान से भी कुछ मुतालबात ज़रूरी हैं कि पाकिस्तानी चीज़ें उठाई हैं इस मुलाकात में कि वहाँ पर जो ज़ाहिर अमन का मामला है, ख़वातीन को हकूक़ देने का मामला है, ख़वातीन की ज़ाहिर उनकी काबीना में शमूलियत का मामला है, उस पर अफगान हुकूमत क्या कहती है? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान से हर सतह पे ये बातें पाकिस्तान की तवसत से भी पहुंच रही हैं और दीगर ममालिक भी अपनी अपनी सतह पर, जो अफगानिस्तान के दीगर हमसाया ममालिक हैं तुर्कमानिस्तान, ये अपनी अपनी सतह पर ये डिमांड कन्वे कर रहे हैं और अफगान हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि सबसे पहले तो अपने जो इकतदार है उसमें दीगर ग्रोहों को, जो नस्ली ग्रोह वहाँ पे आबाद है, ताजिक तुर्कमान और दीगर, ये तमाम मुतालबात जो है और ये सारी चीजें जो एक तहफात की सूरत में की हैं, इनको अफगानिस्तान को जरूर दूर करना होगा, अफगान हुकूमत को इस पर सोचना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।